हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे गणपति पापा का पसंदीदा भोग मोदक बिना मोल्ड के और बहुत ही झटपट, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। जब आप गणपति पापा को भोग लगाएंगे तो वो एकदम खुश हो जाएंगे। मोदक बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप दूध, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच घी और थोड़ी सी इलायची। पहले हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हम थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर हमारे दूध में हो गया है अच्छे से मिक्स। अभी हम करेंगे गैस को ऑन। अब हम इसे टाइट होने तक अच्छे से पकाएंगे। हमें फ्लेम को रखना है लो, हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। हमारा खोआ हो गया है तैयार। आप चाहें तो ये मिल्क पाउडर यूज़ ना करके पूरा दूध के साथ इसको बना सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर यूज़ करने से ये बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। मुट्ठी भर मखाने, 6 से 7 काजू, 6 से 7 बादाम, इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने इनको कर लिया है ग्राइंड। इनको मिलाने के बाद एक टाइट डो बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो खोआ है वो आपके हाथों पर ज़्यादा चिपक रहा है या फिर वो ज़्यादा टाइट हो गया है, तो आप इसमें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा डो हो गया है तैयार। अभी मैं इसके 2 कलर के मोदक बनाऊँगी, तो मैं आधे में ग्रीन कलर ऐड करूँगी और आधे को ऐसे ही रहने दूँगी। मिठाई बनाने के लिए लिक्विड फूड कलर ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। खोए में हमारा कलर हो गया है अच्छे से मिक्स। अभी मैं इसका रोल बनाऊंगी और रोल बनाकर इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगी। फिर देंगे हम अपने मोदक को शेप। पहले बनाएंगे हम छोटी छोटी सी बॉल्स और फिर हथेलियों की मदद से हम इसे लट्टू की शेप दे देंगे। हम मोदक बिना मोल्ड के बना रहे हैं, इसलिए मोदक को परफेक्ट शेप देने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे चाकू का। आप चाहो तो टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे ग्रीन कलर के मोदक बनकर हो गए हैं तैयार। इसी तरह हम वाइट कलर के मोदक बनाएंगे। आपने किस कलर के मोदक बनाए और आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणपति बप्पा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी तरक्की लेके आएँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।